16 एम्पियर का साकेट है, 16 का स्विच भी है, पर यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, समझने जैसी बात है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा यहाँ आखिर प्रॉब्लम क्या है। मोटर है यहाँ पे जो आधा हाउस पावर का मोटर है उसी का यहाँ पे कनेक्ट वायर लगाया जाता है, पर ये 16 एम्पियर का स्विच है और ये दिखने में ऐसा लग रहा है कि स्विच सही है पर ये दबता नहीं है, पुश नहीं होता है, काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये स्विच भी ख़राब है, अंदर से जो है कनेक्ट नहीं हो रहा है। इसका जो पित्तल का कनेक्शन करने का एक छोटा सा नट जैसा होता है उसमें जो टच होता है वो नहीं काम कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये नहीं देखना है कि ये स्विच जो है दिखने में सही दिख रहा है पर अंदर से ये जल चुका है, ख़राब हो चुका है। तो 16 एम्पियर का ये स्विच है और 16 एम्पियर की साकेट भी है, फिर भी जो है ये ख़राब हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्विच दिखने में तो लग रहा है ऐसा कि सही है पर ये दबाने पे काम नहीं कर रहा है। तो ये कभी ऐसा हो कि भाई स्विच दिखने में तो सही दिख रहा है क्यों नहीं काम कर रहा है, बहुत सारी जगह ऐसा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्विच अगर इस तरह आवाज़ मार रहा है तो सही है, अगर आवाज़ नहीं आ रही है उसकी तो समझ लीजिए कि वो ख़राब है। अगर वो आप तेज़ी से दबा देंगे तो एक बार कनेक्ट हो जाएगा, चलेगा, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद स्पार्क करते करते फिर बंद हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम भी स्विच में आती है, ऐसी कोई दिक्कत हो तो स्विच बदल देनी चाहिए या आप कोई भी इलेक्ट्रीशियन को बुला के आप स्विच को बदलवा सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, हम इसको भी खोलेंगे किस तरह से, यहाँ पे देखते हैं क्या दिक्कत है। और ये जो है मोटर का कनेक्शन है, इसमें कुछ लाइटें हैं छोटी छोटी वो हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत बारीकी से समझने जैसी होती हैं, क्योंकि नया फिटिंग की बात अलग होती है, जब रिपेयर करना होता है तो वहाँ पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि कोई भी दूसरा मिस्त्री अगर फिटिंग किया हुआ है और हम दूसरा मिस्त्री अगर जाता है वहाँ रिपेयर करने के लिए, तो उन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि न्यूट्रल फेस कौन सा है, कनेक्शन कौन सा है, पॉइंट का वायर कौन सा है, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ होती हैं। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रीशियन है, जानकार है, अच्छा सा है, तो वो उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं वायर एकदम क्लियर है, यहाँ पे सारे पॉइंट एकदम कंप्लीट हैं और वायर भी एकदम अच्छा क्वालिटी का पड़ा हुआ है। पॉइंट में 1 mm का है और जो मेन लाइन है उसमें 2.5 mm का वायर पड़ा हुआ है और न्यूट्रल में 1.5 mm का पड़ा हुआ है, मतलब वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वायर में कोई कमी नहीं है, वायर एकदम अच्छी क्वालिटी का पड़ा हुआ है। पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्विच जो है अंदर से एकदम अच्छा दिख रहा है, यहाँ से भी एकदम न्यू दिखता है, अच्छा दिख रहा है, पर अंदर जैसा कि मैंने बताया कि इसमें छोटा सा एक पित्तल तांबे का एक नट होता है जिसमें से ये स्विच जाके उसकी पट्टी छोटी छोटी वो टच होती है, जब टच होती है तभी कनेक्शन चालू होता है, कनेक्ट होता है, तो वो ख़राब हो चुका है। इसलिए ये स्विच भी बदलना ही पड़ेगा क्योंकि ये काम नहीं करेगा। और यहाँ भी हम जो है अब स्विच की जगह इनको जो है हम ये सलाह देंगे कि इसमें अगर 10 एम्पियर का हम MCB डाल देते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर एक बार ख़राब हो चुका है तो ये बार बार ख़राब होता रहेगा। इसलिए हम यहाँ भी जो है एक 10 एम्पियर का या तो 20 एम्पियर का MCB डालेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में, आगे मैं इसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे कि किस तरह से रिपेयर करना चाहिए। अब हम यहाँ पे जो 16 एम्पियर का स्विच ख़राब हो गया था उसकी जगह में हम यहाँ पे 25 एम्पियर की MCB लगा देंगे। यहाँ ज़रूरत तो 16 की थी पर नहीं था, इसलिए हम 25 की लगाएंगे, तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो बने रहिएगा और आप देखते जाइए कि किस तरह से MCB को बिठाना है और उसका कनेक्शन कैसे करना है। यहाँ पे इस तरह से इसको बिठा देना है और ट्रिप भी करेगी ये, इसके बाद जो है कनेक्शन इसका दे देना है उसी तरह से, इस तरह लगा दो इसको, जैसे तार पहले लगे हुए थे स्विच में उसी तरह कनेक्शन इसका भी कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से क्या है, कोई लोडिंग वाली चीज़ है, मोटर है, गीजर है, कूलर है, या फिर इस तरह की अगर कोई भी आप चीज़ जो है चलाते हैं जैसे इलेक्ट्रिक की, तो उसमें ये चीज़ का खास ध्यान रखना है कि हमें कितना जो है वोल्टेज देना है। क्योंकि 6 एम्पियर का स्विच में ज़्यादा से ज़्यादा आप एक नॉर्मल कूलर है, पंखा वगैरह है, इसके लिए होता है, एक लाइट के लिए होता है सिंगल। अब ये कम्प्लीट हो गया है, अब हम इसको फिट कर देंगे बोर्ड को। तो बने रहिए वीडियो में, आपने देख लिया यहाँ पर और कनेक्शन पूरा ओके है, बस अब इसको हम लगा देते हैं स्क्रू से। इस तरह से इसका वायर जो है आप अच्छे से समेट के ही रखना है, क्योंकि दबेगा नीचे तो आपका बोर्ड बंद करने में भी दिक्कत होगी, तो ये खास ध्यान रखना है। MCB के पीछे वायर नहीं रहना चाहिए, वो MCB के पीछे वायर रहेगा तो आपका बोर्ड बंद नहीं होगा, फिर आप ये कहें परेशान हो जाएंगे कि भाई ये
बंद क्यों नहीं हो रहा है। तो इन चीज़ों का भी खास ध्यान रखना है कि पीछे साइड में जो है वायर ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, उसके सामने खाली ही रखना है, तभी आपका बोर्ड जो है बंद हो पाएगा। इस तरह से जो है स्क्रू आपको टाइट कर देना है पूरी तरह से। अभी लाइट है नहीं, नहीं तो हम इसको अभी चेक कर लेते, पर कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्शन सब सही है, वायर सही है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कनेक्शन उसी तरह बराबर चलेगा जैसे ये चलता है।